सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए और सबसे पहले पाइए लेटेस्ट न्यूज़ हमारे चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पारी गुरु में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर स्टेट का एग्जाम नवंबर में होना जिसे तय हुआ है। नवंबर में स्टेट होने वाला है, लेकिन इसके अंदर इस बार जो स्टेट है इसके अंदर काफ़ी डिफरेंस किया गया है। इसके अंदर PRT और PGT दोनों लेवल्स के अंदर का जो सिलेबस है वो काफ़ी डिफरेंट कर दिया गया है। अब हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे PGT के अंदर। PGT के अंदर पहला जैसे पेडागोजी आएगा, पेडागोजी आपका 30 मार्क्स का है, वो एज इट इज़ रखा गया है। और दूसरा है कि आपका 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो भी एज इट इज़ रखा गया है। ठीक है, जो तीसरा पोर्शन है आपका हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी को 15 मार्क्स की कर दी गई है और इंग्लिश को भी 15 मार्क्स का कर दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश के जो 15 15 मार्क्स हैं वो जैसे 30 मार्क्स हो गए, उनको कैसे डिवाइड किया गया है, उनको अब 10 नंबर की हरियाणा GK और 10 नंबर का आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड और 10 नंबर की आपकी रीजनिंग। तो आपको 10 नंबर का मैथ और 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की हरियाणा GK। एक तरह से देखा जाए तो ये एक आसान भी किया गया है पैटर्न, लेकिन जिसका मैथ एंड रीजनिंग जिसका वीक है उसके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो एक तरह से ये हरियाणा के जो स्टेट, जो नया स्टेट आने वाला है, ये नवंबर में प्रस्तावित हुआ है। ठीक है, ये DSC डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने हरियाणा बोर्ड को बोर्ड सेक्रेटरी के नाम से एक अप्लीकेशन भेजी है, जो कि आप DSC हरियाणा की साइट से भी देख सकते हैं और हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे भी। तो इसके अंदर पैटर्न में बिल्कुल मेंशन किया गया है कि आप नवंबर की हमें डेट दीजिए और नवंबर में स्टार्ट करवाइए, लेकिन इसके अंदर पैटर्न का जो चेंजिंग है वो इसके अंदर डाला गया है लेवल 1 एंड लेवल 3। ठीक है, इसमें PRT के लेवल में चेंज किया गया है। इसके अंदर आपको इन्वायरमेंट साइंस दिया गया है, मैथ दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखी गई हैं आपकी, लेकिन इसके अंदर भी मैथ रीजनिंग और GK आपका 30 मार्क्स का रखा गया है। अभी आप जैसा कि नोटिस देख रहे हैं कि ये डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने हरियाणा बोर्ड के नाम ये लेटर डाला है। इसमें लिखा गया है कि नवंबर 2017 में आप स्टेट की डेट दीजिए। अभी आप देख रहे हैं सिलेबस, PGT का जो सिलेबस में चेंजेस किया गया है वो आप देखिए, सिर्फ हिंदी एंड इंग्लिश को 15 15 मार्क्स का किया गया है, बाकी सब्जेक्ट आपका 60 नंबर का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आपकी 30 नंबर की एज इट इज़ रखी गई है। इसके अंदर जो 15 15 मार्क्स कम किए गए हैं हिंदी और इंग्लिश के, वो आपके मैथ के अंदर 10 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की और हरियाणा जी के एंड अवेयरनेस 10 नंबर की, तो 30 नंबर आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो ये इस सिलेबस के अंदर चेंजेस किया गया है PGT के अंदर। तो मेनली चेंजेस जो हुआ है सिर्फ हिंदी एंड इंग्लिश के पोर्शन को कट करके मैथ, रीजनिंग और हरियाणा GK में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी आप देखें PRT का सिलेबस, इसके अंदर भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एड इट इज़ रखी गई 30 नंबर की, मैथमेटिक्स 30 नंबर का, इन्वायरमेंट स्टडी आपकी 30 नंबर की। इसमें भी हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर चेंजेस करके इसको कन्वर्ट किया गया है मैथ के अंदर रीजनिंग और हरियाणा GK। तो मैथ एक तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ईजी मैथ रहेगा, तो ये चेंजेस किया गया है सिलेबस के अंदर। और जो आपका सेकेंड है पार्ट उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अभी आपके लिए स्पेशल न्यूज़ है कि स्टेट 2017-18 के लिए हम हमारे चैनल पारी गुरु पे सीरीज चला रहे हैं मंडे से, तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे आपको लेटेस्ट सब्जेक्ट मिलेंगी HSC एग्जाम से रिलेटेड और स्टेट के एग्जाम की तैयारी के लिए। यदि आपको नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।